गुड मॉर्निंग बच्चों, वंदे मातरम। बच्चों, अपन ने इतिहास के दो लेसन पहले कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। आज मैं आपको थर्ड लेसन पढ़ाऊंगी जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी गांव पर किस प्रकार से शासन चलाया गया। देखिए, कंपनी दीवान बन गई। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना थी कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। इसके तंबू में घटी होगी, रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। ये देखिए, यह चित्र, ये जो आपको ऊपर चित्र बताया गया है आपकी बुक में, ये चित्र दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। किस चित्रकार ने बनाया, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था, उस चित्रकार ने इस चित्र का निर्माण किया है, बनाया है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने निर्माण नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। इसके लिए उसने एक ऐसा रास्ता ढूंढा जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। देखिए, कंपनी की आमदनी किस प्रकार से हो सकती थी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन को वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। यानी कि कम से कम पैसा खर्च करे और बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, सूती कपड़ा और रेशमी कपड़ा खरीद सके। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब बंगाल में जो पैसा इकट्ठा था उसी से वो निर्यात की गई चीज़ें खरीद जाती थी। जल्दी ही ये जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिरता जा रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। 1770 में बड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद में सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। जब वहाँ पर अकाल पड़ा तो 1 करोड़ लोग मौत की नींद में सो गए थे, और यानी कि 1/3 आबादी समाप्त हो चुकी थी। खेती में सुधार की जरूरत थी। तो कैसे की गई, कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। कंपनी के ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब में से राजा और तुगलदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्होंने किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी कि भाई इनको इतनी राशि चुकानी पड़ेगी। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अब देखो, समस्या इसके अंदर भी समस्या पैदा हो गई। अब कौन सी समस्या थी, मगर स्थायी बंदोबस्त में भी समस्या पैदा कर दी गई। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे।
असल में कंपनी ने जो राजस्व दे किया था वह इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ रही थी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, जिससे जमींदारों की आमदनी में भी सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो ये समस्या सामने आई। उसके बाद में दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लगती थी। किसान को जो लगान चुकाना पड़ता था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था किसानों को कि भाई जो जमीन का जो कर्ज था, लगान चुकाना था, तो उसके लिए उनको महाजनों से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी जो पुश्तैनी जो जमीन थी वो कब्जे में कर ली जाती थी, छीन ली जाती थी। इसी प्रकार से फिर एक नई व्यवस्था चालू की गई। बंगाल प्रेजिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की। किसने नई व्यवस्था तैयार की? हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था चालू की, नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। सन 1822 में इस नई व्यवस्था को लागू किया गया। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों का वो दर्ज किया। गांव के एक-एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया कि भाई प्रत्येक गांव में प्रत्येक खेत में से कितना राजस्व वसूल किया जाता है। इन सब का उन्होंने हिसाब लगाया। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। पहले जमींदार लोग करते थे तो जमींदार को हटाकर गांव का जो मुखिया होता था उसको ये काम सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। इसके बाद में मुनरो व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार का नाम दिया गया। वहाँ पर जो नई व्यवस्था स्थापित की गई उसको रैयतवार का नाम दिया गया। टॉम्स मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके बाद में सब कुछ ठीक नहीं था, फिर भी वहां पर सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जब नई व्यवस्था स्थापित कर दी गई तो थोड़े से साल तो वो सही चली, लेकिन कुछ सालों के बाद में उनमें नई समस्याएं पैदा हो गई। जमीन में होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रेयत जो थे वो गांव से भाग रहे थे। यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि यहाँ यूरोप की जरूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया। अफीम और नील की खेती पर जोर देने लगी कंपनी, यानी कि अफीम और नील की खेती सबसे अधिक की जाने लगी। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, आसाम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल, इन सबकी खेती की जाने लगी। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? क्या पहले इतिहास में कोई रंग का भी कोई मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रचलन था?
चित्र 5 व 6 में सूती कपड़े, ये देखिए ये जो आपको चित्र 5 और 6 में दिखाए गए सूती कपड़े पर छापे लगाए जाते थे, पहले वो छापे दिखाए गए हैं। यहाँ पर छापों की 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं। बाईं तरफ की तस्वीर में भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिसिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं इसमें दिखाए गए हैं। दोनों छापों में एक समान बात है कि दोनों में ही नीले गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। इन दोनों छापों के अंदर देखो आप एक नीला रंग, गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है, जो नीला रंग है उसको हम क्या कहते हैं, नील, नील कहते हैं। इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। एक नील नाम का एक पौधा होता था, उससे ये नील नाम का जो रंग है वो पैदा किया, तैयार किया जाता था। भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया जा किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। उस समय में सबसे ज्यादा नील कहाँ पर तैयार किया जाता था, भारत में। भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटाली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारत नील का इस्तेमाल करते थे, भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे वो लोग वहाँ पर। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुँचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, बहुत अधिक महंगी मिलती थी ये नील। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वॉर्ड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। ये नील बहुत अधिक महंगी मिलती थी बाजारों में, तो इसलिए उनको मतलब बैंगनी रंग और नीला रंग बनाने के लिए एक वॉर्ड नाम के एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। नील के बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वॉर्ड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका था। नील से जो रंग मिलता था वो बहुत ही अधिक चमकदार था, शाइनिंग था, शाइनिंग वाला था और गहरा था। लेकिन जो वॉर्ड से जो रंग प्राप्त किया जाता था वह बेजान था, मतलब वह अधिक दिनों तक टिककर नहीं रहता था, उसमें चमक भी नहीं होती थी और फीका था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकार को राजी कर लिया। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आए थे। अब देखिए भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। 18वीं सदी के आखिरी दशक में भी बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों में छा गया, मतलब बहुत उच्च क्वालिटी की नील यहाँ पर बंगाल में तैयार की जाती थी और वह बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया में छा गया। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती कैसे होती थी? देखिए नील की खेती के 2 मुख्य तरीके थे, निजी और रैयती। यानी निजी तौर पर भी नील की खेती की जाती थी और रैयती तौर पर भी नील की खेती की जाती थी। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से खेती भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती किया करते थे। देखिए निज खेती की समस्याएं, निजी जो खेती थी उसमें क्या क्या समस्याएं थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही हो सकती थी, यानी कि खंडर जमीन पर या कि बंजर जमीन पर अपन नील की खेती नहीं की जा सकती थी। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी,
यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। जो उपजाऊ जमीन थी वहाँ की आबादी, वहाँ पर आबादी बहुत अधिक बसी हुई थी, तो उनके हाथ में केवल छोटे मोटे जो खेत थे वही काम हाथ में लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की जरूरत होती थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? नील की खेती करने के लिए बड़े बड़े भूखंडों की जमीनों की आवश्यकता थी, भूखंडों की आवश्यकता थी, तो इतनी सारी जमीनों को कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया, जिससे टकराव और तनाव पैदा हो गए। मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। इसके लिए खेती करने के लिए मजदूरों की भी आवश्यकता होती थी, तो वहाँ पर मजदूर भी आसानी से नहीं मिल पाते थे। बड़े बगान के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत होती थी। बड़े पैमाने पर निजी खेती के लिए बहुत सारे हल और बेलों की भी जरूरत होती थी। एक बीघा नील की खेती के लिए दो हल चाहिए होते थे, यानी एक बीघा जो खेत होता था उसमें नील की खेती करने के लिए दो हल की आवश्यकता होती थी। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1,000 बीघा जमीन है तो उसे 2,000 बैलों की जरूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक नीच खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन काम में आती थी, बाकी जमीन रियायती व्यवस्था के अंतर्गत चली जाती थी। अब रियायतों की जमीन पर नील की खेती किस प्रकार से की जाती थी? देखिए, रियायती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंधन करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं से भी रियायतों की तरफ से समझौता किया करते थे, करने के लिए बातें कर देते थे। कर्ज लेने वाले रियायतों को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी, यानी कि उन्हें कम से कम 25% जमीन पर तो खेती करनी ही पड़ती थी नील की। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा कष्टकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चलता रहता था। समस्याएं और भी थी, इसमें भी कई समस्याएं थी। जैसे बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सस्ते बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत अधिक गहरी होती थी और वो जब जिस जमीन पर उगाई जाती थी उस जमीन की पूरी जान वो निकाल देती थी, यानी कि उस जमीन को बहुत ही अधिक खोखला वो कर देती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। नील विद्रोह और उसके बाद, देखिए मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों में नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों में बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया था। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लग जाते थे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई के मैदान में कूद जाती थी। नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थायी जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता था। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए जाते थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रियायतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। ईस्ट इंडियन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। इससे जब बहुत अधिक परेशान हो गए तो फिर उनकी रक्षा के लिए सैनिकें बुलाई गई। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग में बागान मालिकों को दोषी पाया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियायतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रियायतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण भी होने लगा, यानी अलग अलग प्रकार के कृत्रिम रंगों का निर्माण भी किया जाने लगा, जिससे इनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी ये उत्पादक फैलने में सफल रहे। ठीक है बच्चों, ये वाला लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।